जब किसी को डेढ़ अकल आती है ना, तो उसको बाकी के सारे लोग, उस डेढ़ अकल वाले को बाकी के लोग बस एवं ही बेवकूफ और उससे कमतर लगने लगते हैं। और इसी डेढ़ अकल या एहसास से ज्यादती का शिकार है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। या यूं कहें कि उसको ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व का बिगुल बजाते रहो हर जगह, जहां कोई मतलब हो या ना हो, वहां भी बजाते रहो, जैसे तैसे अपनी नाक उधर घुसाओ और अपने मुंह से बिना सिर पैर, बिना अकल या अपनी डेढ़ अकल की बातें करते रहो। आपका मीडिया में कवरेज आता रहेगा, आपकी दुकान चलती रहेगी, बीच बीच में हिंदू हिंदुत्व जैसे राग अलापते रहो, तो आपको ये मीडिया भी हाथों हाथ लेगी और ट्विटर पे भी आपका ट्रेंड चलेगा। तो कभी ना कभी तो आखिरकार सरकार या सरकार के किसी नुमाइंदे की नज़र इनायत होगी कि ये बेचारी इतनी हमारे आने की तैयारी कर रही है, तो इसको कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। एक्टिंग में अब और कुछ तो इनके पास में बचा नहीं। और राजनीति कैसे होती है नफ़रत पैदा करके, ये बात इनके समझ में आ गई। और बस ये महान फिल्म सितारा कंगना रनौत यही कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो इन महारानी साहिबा, ये जो कंगना रनौत है, इसको पसंद नहीं आए। तो बस अपनी डेढ़ अकल लगाकर अनाप शनाप जो मुंह में आया बोल गई, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह दी, यहाँ तक कि ममता बनर्जी को वोट और उनको वोट देने वाले को भी आए फाएँ बकने लगी। अब क्या है ना कि इस डेढ़ अकल हीरोइन को कुछ चढ़ाने वाले बेवकूफ़ हो सकते हैं, जो जय हो हिंदू शेरनी और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बोल के इसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, ये चढ़ जाती है और आए भाए बोलने लगती है। लेकिन ट्विटर बेवकूफ़ नहीं है, ट्विटर ने इस एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट अब सस्पेंड कर दिया। ट्विटर का कहना है कि कंगना ने नियम तोड़े हैं इस डेढ़ अकल या डेढ़ शानी हीरोइन को। देखो कि ये ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से कर रही है, कहती है कि मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, वह तो सबसे अच्छा राजा था जिसने दुनिया का सबसे संपन्न देश बनाया, वह ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, स्कॉलर और वीणा वादक था, वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। ये ममता बनर्जी के बारे में कहा, जिन्होंने उसे वोट दिया है तुम्हारे हाथ भी खून से सने हुए हैं। मतलब ये सारी अकल इसी के पास में ही आ गई है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। अच्छा, फिर इन्हें हिंदू मुस्लिम भी करना होता है, तो रोते गाते एक वीडियो भी बना दिया जिसमें हिंदुत्व का तड़का लगाना ये नहीं भूली। और उसके आखिर में कहती है कि क्या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बहरहाल कंगना रनौत ट्विटर का शिकार हो गई और ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया इनका अकाउंट। अब ये आए भाए कहाँ बोलेंगी ये पता नहीं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।